हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस और हिंदी के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ रोज पहले हमने आपको भारत की किस्से कहानियों में बार बार आने वाली कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में बताया था और आपसे वादा किया था कि हम एक और इन सभी पैरानॉर्मल एंटिटीज का एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। उसी कड़ी में हम आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसके बारे में ये मान्यता है कि उसे खुद एक यक्षिणी ने अपने हाथों से लिखा था और फिर किसी कारणवश उस किताब को उसी यक्षिणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी इस किताब को बुरी नीयत से पढ़ेगा वो मर जाएगा और जिसने भी उसे आधा पढ़कर छोड़ा वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठेगा। हम आज जिस रहस्यमय शापित किताब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है नीलवंती ग्रंथ। ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसके अध्ययन से हम पशु पक्षियों से बात कर सकते थे या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकते थे। आखिर क्या था इस विचित्र ग्रंथ का राज, आइए जानते हैं। ये कहानी है एक 5 वर्ष की लड़की की जो बचपन से ही अपनी उम्र के अन्य बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 साल की होने के बाद से ही ये बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे जो किसी भी इंसान की नज़रों से बहुत दूर थे, लेकिन वो बच्ची कभी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलवंती। जैसे जैसे नीलवंती बड़ी होने लगी उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात को अजीब सपने आते थे जिनमें अलग अलग तरह के भूत, प्रेत और आत्माएं नीलवंती से बातें किया करते थे। वो उसे आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलवंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वो भूत, प्रेत और आत्माएं सपनों में ना आकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। नीलवंती दिन भर भूत, प्रेत, आत्माओं से घिरी रहती थी जो हर समय उसके कानों में कुछ ना कुछ फुसफुसाते रहते थे। ये नीलवंती के लिए एक बेहद आम बात थी, लेकिन नीलवंती ये बात जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब शक्तियां हैं। अब नीलवंती 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी और उसके साथ होने वाली घटनाएं भी अब और बढ़ने लगी थी। अब जब भी कोई आत्मा, प्रेत या बेताल नीलवंती को कोई नई विद्या या मंत्र बताता था तो वो उन सभी चीजों को लिख कर रख लेती थी ताकि वो उन सभी मंत्रों और विद्याओं को याद रख सके। फिर एक दिन नीलवंती के सपने में उसे बताया गया कि वो एक यक्षिणी है और इसी कारण उसे जन्मजात से ये अद्भुत शक्तियां मिली हैं। वो इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकर फंस गई है। साथ ही सपने में नीलवंती को ये भी आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में आना होगा। इस काम के लिए नीलवंती को वो उपाय भी बताए गए जिनसे वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में जा सकती थी। उसे सपने में बताया गया कि जहाँ वो रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ ही नीलवंती के अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलवंती ने अपनी ये लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसे देख नीलवंती ने उसे उस जगह पर पहुंचने में मदद मांगी। वो व्यक्ति पेशे से एक व्यापारी था और नीलवंती को देखते ही उसके रूप से मंत्रमुग्ध हो गया था। उस व्यापारी ने नीलवंती के सामने एक शर्त रखी कि वो नीलवंती को उस स्थान तक ले जाने में मदद तो करेगा क्योंकि वो उसी जगह पर रहा करता था, लेकिन इसके बदले में नीलवंती को उससे शादी करनी होगी। नीलवंती ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलवंती ने भी एक शर्त रखी। वो ये कि वो उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वो कभी भी उस व्यक्ति के साथ कोई रात नहीं बिताएगी और वो रात में कहाँ जाती है ये बात उससे कभी कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद वह व्यापारी नीलवंती को अपने गांव लेकर पहुंचा। इस जगह से कुछ ही दूर पर वो बरगद का पेड़ भी था जिसके बारे में नीलवंती को सपने में बताया गया था। अब नीलवंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को घर से कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलवंती रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेत आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और क्रियाओं को अंजाम दिया करती थी जिनमें तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलवंती इस सभी मंत्रों और क्रियाओं को अपनी उस किताब में भी लिखा करती थी जिसमें वो बचपन से उसे सिखाई गई सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी।
एक दिन नीलवंती को फिर एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि आज रात नीलवंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उसे पेड़ की पास की नदी में एक लाश मिलेगी जिसकी कमर पर बंधे कपड़ों की गांठों में एक विशेष धागा मिलेगा जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित था, जिसकी मदद से नीलवंती आज अपने असली यक्षिणी रूप में आकर अपने लोक में जा सकती थी। नीलवंती उस रात अपने लोक में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा गहराते ही हमेशा की ही तरह नीलवंती उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलवंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नीलवंती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। यह देख गांव वाले बेहद क्रोध से भर गए। उन्हें लगा कि नीलवंती कोई डायन या चुड़ैल है। सभी ने नीलवंती को मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि नीलवंती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलवंती उस लाश को खा रही है। उनको ये लगा कि नीलवंती एक नरभक्षिणी है। यह देख गांव के लोगों ने नीलवंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देख वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीलवंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलवंती के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब वो एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक चीरने लगा। गांव वाले ये देख हैरान थे कि जिस व्यापारी को वो इतने वर्षों से इंसान समझ रहे थे वो वास्तव में नील अवंती से भी भयानक पिशाच था। वो पिशाच नील अवंती को वहां से लेकर जंगल की ओर भाग निकला और महफूज जगह पर पहुंचकर उसने नील अवंती को बताया कि वो पहले दिन से ही जानता था कि नील अवंती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि वो पिशाच नील अवंती की उस किताब को पाना चाहता था जिसमें नील अवंती ने अपने जीवन में अर्जित सारी विद्याओं को लिखा था। पिशाच के मंसूबे जानते ही नील अवंती ने उस पिशाच को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ ही क्षण में वो पिशाच फिर से जीवित हो उठा। नील अवंती समझ गई थी कि इस पिशाच को हराना नील अवंती के बस से बाहर है। तब उसने उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी इस पुस्तक को बुरी नीयत से पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तय है और यदि कोई उसे अधूरा अध्ययन करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। इस श्राप के साथ नील अवंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई। लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नील अवंती फिर कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास जाने का वो केवल एक ही मौका था जिसके लिए उसने एक लंबी प्रतीक्षा की थी। पर नील अवंती कहां गई और वो किताब आखिरी बार किसको मिली, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये माना जाता है कि इस किताब को अंत में एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया था, साथ ही उस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था। इंटरनेट में नील अवंती ग्रंथ के बारे में कई गलत जानकारियां मौजूद हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि इस ग्रंथ को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था, लेकिन ये बात सरासर गलत है। साथ ही कई लोग ये भी दावा करते हैं कि नीलवंती ग्रंथ के कुछ अंश आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं और अपनी इस बात के प्रमाण के तौर पर एक पीडीएफ फाइल को सर्कुलेट किया जाता है जिसे ओरिजिनल नीलवंती ग्रंथ के अंश होने का दावा किया जाता है। लेकिन इंटरनेट पर इस ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपी होने के सभी दावे हमारी रिसर्च में फेल हो गए हैं। नीलवंती की कहानी भारत के महाराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्रों की एक लोक कथा है। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और यदि आप किसी खास टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो अपना सुझाव हम तक ज़रूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।